सारे दर्शकों ने दिनेश जुड़ानी की राम राम मौजूद हाँ। सादीपुर गांव में आप देख सकते हैं दर्शे में आज प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह पहुंचे हैं कांग्रेसी नेता अनिल दलाल के घर पर। आप देख सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। आज अनिल दलाल और नवीन दलाल दोनों भाइयों का जन्मदिन है, जन्मदिन के अवसर पर उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह पहुंचे थे। देख सकते हैं यहाँ पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस कार्यक्रम को लेकर प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं जानेंगे उनसे, और आज उन्होंने यहाँ पर दोनों भाइयों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। और यहाँ पर आप जो दर्शन देख रहे हैं यहाँ पर केक रखा गया है और उनके द्वारा दोनों भाइयों का ये केक कटवाया जा रहा है। इसमें जो दृश्य में देख पा रहे हैं केक कटवाकर जन्मदिन की बधाई दी है। और संयोग है कि दोनों भाइयों का एक ही दिन जन्मदिन है, नवीन दलाल और अनिल दलाल। लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो देरी हो रही है उस पर क्या कहते हैं प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह, आइए जानते हैं उनसे। क्या कार्यक्रम था जी आप यहाँ पर पहुंचे हो? आज हमारे साथ अनिल का जन्मदिन है और छोटे भाई का शुभकामनाएं देने आए थे। बहुत हमारे कर्मठ साथी हैं, परमात्मा इनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ शरीर दे और हमेशा प्रसन्नचित्त रहे। कहाँ पटक चल रही है राजनीतिक में, लगातार हर नेता के साथ जो है ईडी एजेंसियां लगातार लगी हुई, क्या कहेंगे इस पर? सरकार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए उनका दुरुपयोग कर रही है, प्रजातंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लगातार कई जैसे सोनीपत की अगर हम बात करें, कुछ और सीटें हैं जिस पर अभी तक उम्मीदवार पूरे नहीं हैं, तो उसमें ढिलाई चल रही है, क्या करेंगे सर? अभी बहुत समय है, छठे चरण में हमारा चुनाव है 25 मई को, 2 महीने बहुत लंबा समय होता है, जबकि चुनाव कैंपेन के लिए भी केवल 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस टिकटों में देरी कर रही है, भाजपा के उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ चुके हैं, इस देरी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना नहीं पड़ेगा? नहीं, लोग इंतजार में हैं, लोग एक तरफा कभी नहीं लगते, जब तक सामने वाला कैंडिडेट नहीं आ जाता उसके बाद ही मन बनाते हैं। उस हिसाब से बहुत 2 महीने का इलेक्शन बहुत लंबा हो जाता है। हरियाणा में जो हालात हैं, हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी हैं, मुख्य मुकाबला किन के बीच मान रहे हैं, किस आधार पर मान रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है, बीजेपी इस चुनाव में बुरी तरह से हारेगी, कांग्रेस बहुत बढ़िया मार्जिन के साथ जीतेगी। दूसरे काफी दल मैदान में आ चुके हैं, जिस सत्ता की साझेदार है जेजेपी भी है, छोटाला पूरा का पूरा परिवार है, और दूसरे लोग भी हैं, उनका क्या स्थिति आप मानते हैं हरियाणा में? लोगों को पता है कि ये वोट कटवा लोग, वोट कटवाओं को कोई वोट नहीं देगा। अभी कांग्रेस चुनाव समिति की जो बैठक होनी है आज या कल हुई है, क्या उम्मीद है कि जल्द ही हरियाणा के प्रत्याशी घोषणा उसमें? अप्रैल का ये पहला सप्ताह चल रहा है, इसी सप्ताह में हो जाएगा। सोनीपत लोकसभा से क्या भूपेंद्र हुड्डा दोबारा चुनाव मैदान में आएंगे? वो मना कर चुके हैं। किस चीज़ का डर है मना कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, एक सीनियर नेता है कांग्रेस के? नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे।